जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर अध्यक्ष एमसी दावसर मुश्ताक अहमद और भाजपा उपाध्यक्ष कुलगाम मुख्तार अहमद और भाजपा सरपंच जावेद अहमद जी, इन्होंने जगत न्यूज 24 चैनल द्वारा भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराया। जगत न्यूज 24 जम्मू कश्मीर हेड राजा सफी की खास रिपोर्ट। मैं प्रेसिडेंट ट्रांसपोर्ट कमेटी के सदस्य, आज तक मैंने 2-3 बार प्रोग्राम दिए थे तिरंगा यात्रा के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से हमें अलाउ नहीं किया गया। हर बार आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग नोटिस निकाली थी जिसमें मुझे जरूरी जाना था। पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया था, PCR को किया, SP साहब को मैसेज डाली, SDO साहब को डाली, CID कुलगाम को वो मीटिंग नोटिस डाली, फिर भी इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया। जबकि बाकी जो पूरे कश्मीर प्रोविंस के प्रेसिडेंट है उनको अलाउ किया जाता है, उन्होंने तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तमाम काउंसलर ने, प्रेसिडेंटों ने, लेकिन कुलगाम पुलिस की तरफ से जो भी हमारे BJP के कार्यकर्ता है, लीडर है, वर्कर है, इनको तंग किया जाता है, इनको पब्लिक में जाने नहीं दिया जाता है। तो मैं अपने जो हमारे लीडर है UT के, हमारे प्रेसिडेंट रविंदर रैना जी, UT के हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कोल जी, UT के हमारे वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ और जो हमारे साउथ कश्मीर के इंचार्ज है वीर सराफ जी, मैं उनसे मुजिबाना गुजारिश करता हूँ, हमें सिर्फ ये कुलगाम पुलिस हाउस अरेस्ट करते हैं। अगर इनको हमें सिक्योर करना है, हम नहीं कहते कि हमें अकोमोडेशन पे नहीं बैठना है, लेकिन दिन में जो हमें ऑफिस चलाने होते हैं, दिन में जो प्रोग्राम ये अलाउ नहीं करते, इसलिए हम हाउस अरेस्ट नहीं रहेंगे। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के लीडरों से ये मुजिबाना गुजारिश करता हूँ, या तो हम रिजाइन करेंगे या तो हमें पुलिस की तरफ से रोज प्रोग्राम अलाउ होना चाहिए, क्योंकि हमें ऑफिस चलाना है और लोगों के बीच में जाना है।